आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आप नगर सभापति के चुनाव क्यों लड़ रहे हैं गोपालगंज से? मूल मेरा बिंदु यहाँ है कि नगर पालिका में जो भी नगर परिषद द्वारा जो पूर्व जो चेयरमैन हो चाहे वार्ड कमिश्नर हो, जिसने विकास के जो काम किया पूर्ण रूप से नहीं किया, जिसने किया भी उत्तर मोड़ करके किया, किसी को एक तरह से मेरे देखने में लाभ नहीं मिला। कि हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली लड़ाई हमने नेशनल हाईवे की लड़ाई लड़ा था, हमारे हजियापुर कथवलिया के सैकड़ों लोग उसमें उस आंदोलन में शामिल हुए। नतीजा आज बंजारी से लेकर के हजियापुर मोड़ तक, जिसको कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, वो बन रहा। जी जी, पहली जीत मेरा ये हुआ। सेकेंड, पूरे नगर परिषद में कहीं भी एक भी शमशान घाट नहीं है। इसके लिए ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि या वार्ड कमिश्नर या चेयरमैन, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाया। किसी को ये नहीं दिखाई दिया कि यहाँ एक शमशान घाट की अति आवश्यकता है। इसकी भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, अभी वर्तमान में चल रहा है। आप कहीं कहीं इसके संबंध में बैनर आपको दिखाई देंगे। डीएम को भी मैंने दिया है, हमको यहाँ के स्थानीय विधायक साहब से भी मिलना है, सांसद महोदय से भी मिलना है, अन्य जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिल करके किसी न किसी रूप से निवेदन करके एक शमशान घाट। बहुत सारे नगर सभापति के प्रत्याशी हैं, लेकिन आपके साथ ही जनता जाना क्यों पसंद? हमने आपको बताया कि एक तो जो हजियापुर मोड़ पर से जो बंजारी मोड़ तक एलिवेटेड रोड है, एक तो जनता देख रही कि हमने किया, दूसरा जनता ये देख रही है कि शमशान घाट की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं, जो हजियापुर मोड़ पर जो कृष्णा टॉकीज है, वहाँ हमारी सोच है, इसके पूर्व में भी हमारे गांव के सैकड़ों लोगों ने हमको मदद करने की बात किया, वहाँ हम 5 मंजिल एक धर्मशाला, जिसको शादी विवाह वगैरह जो होता है, जिसको यानी शादी विवाह संपन्न हो सके, 1 मंजिल छठ, 2 मंजिल छठ। कारण ये कि इतनी भीड़ होती है छठ के समय में कि अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाने पर बहुत लोग की संख्या मरने वाले में यानी हो जाएगी। हमने सोचा कि उसको 2 मंजिल बनाएंगे, 1 मंजिल छठ, 2 मंजिल छठ और 3 मंजिल जो होगा वो मैरिज हॉल होगा। मात्र 5-7 हज़ार रुपया में उसमें सारी सुविधा आपकी उपलब्ध रहेगी जो मैरिज हॉल में होता है। और गांव में हमारे बहुत से लोग यहाँ मित्र दोस्त लोग आते रहते हैं, उनको रहने के लिए भी वहाँ सुविधा मिलेगी। और वहाँ मोड़ पर रहने वाले लोगों को, जो बिजनेसमैन हैं, उनका व्यवसाय भी चलेगा और बहुत लोग का व्यवसाय वहाँ अन्य किनारे रख करके अपना व्यवसाय करेंगे। 3 बिंदु बाबू तो मेरा यही है। आपका घोषणा पत्र जो है जो जारी किए हैं कुछ जनता के, चौथा में आइए तो एक है हमारे यहाँ नदी, जिसको छारी नदी के रूप में जाना जाता है। इसके विषय में कोई ये सोचने को तैयार नहीं कुछ कि अगल बगल रहने वाले लोग कैसे जिंदा हैं, कैसे जी रहे हैं। इतनी गंदगी है, पानी का कोई बहाव नहीं है, लोग बीमारियों से त्रस्त हैं। हमारा कहना है कि हम अगर चेयरमैन का चुनाव हम जीतते हैं, निश्चित है कि उसको हम गंडक नदी से जोड़ेंगे, इसकी सफाई करेंगे। अब पानी का आवागमन जो नदी से जो जुड़ा हुआ है उसका हम चालू करेंगे। इसके बाद आ जाइए, टेम्पू चालक है। आप देखते होंगे टेम्पू चालक से मनमानी तौर पर फीस लिया जाता है। जी बिल्कुल। उन लोगों का कोई इंश्योरेंस नहीं है। मेरा कहना है कि उनका भी इंश्योरेंस हो, किसी तरह के दुर्घटना घटता है, जो सरकारी जो मुआवजा देने का प्रावधान है उनको भी मुआवजा मिले। और भिन्न भिन्न तरीके से जो अन्य लोगों से वो कष्ट काट रहे हैं, उससे हम उनको निजात दिलावें। सेम यही चीज़ है ठेला वाले के साथ। और नगर परिषद के कर्मचारी जो लोग हैं, उनको जो जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, उनकी जो मेहनत के रूप में पैसा मिलता है, हमें जानकारी है कि उतना पैसा उन लोग को नहीं मिलता। उस पैसा में कटौती करके उनको कम पैसा दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो लोग काम करते हैं। अगर मेरे कलम से अगर होने लायक होगा तो मैं उनको परमानेंट करूंगा, और जो पैसा में कटौती किया जा रहा है हम उसको बंद कर देंगे। और जो सरकारी फंड है
इंश्योरेंस वगैरह का वो हम। अगर जनता ने आपको सभापति बनाया गोपालगंज का, तो सबसे पहले कौन सी काम की प्राथमिकता दीजिएगा? हम तो देंगे एक नंबर जो कृष्णा टॉकी जो है जी, जो मैरिज हॉल के रूप में हम उसको देखना चाहते हैं। ऐसे प्राथमिकता तो हम सबको लेकर चलेंगे, काम तो हम किसी न किसी रूप में सब में शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारा अभी एक नंबर का काम होगा नगर परिषद में एक भी शमशान घाट नहीं है। ये भी मेरा एक नंबर, एक तरह से समझिए कि मेरा सब एक नंबर है। एक नंबर एक और चीज़ बताना चाहते हैं, हमारे गाँव का मुसर टोली है, उसको लोग बहुत हेत दृष्टि से देखता है। हमारा टारगेट क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से अंत में क्या अपील कीजिएगा? हम तो एक ही अपील करेंगे जनता को, अगर लगता है कि अजीत दुबे ये पूर्ण रूप से जिसने अपना घोषणा दिया है और घोषणा जो हमने दिया है, अगर हम उसको लगता है कि उन लोगों की हम इसको पूरा कर सकते हैं तो हमें मत दे। लेकिन हम जो कहते हैं और एक चीज अंत में हम ये कहेंगे, हमने जो घोषणा पत्र में दिया है बिहार में गोपालगंज का नाम, मेरा प्रयास रहेगा कि प्रथम स्थान पर मैं ला सकूं। अपना नाम बता दीजिए पूरा। मैं अजीत कुमार दुबे, हजियापुर वार्ड नंबर।